हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बागसीन स्कूल में धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव। राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में कल दिनांक 13 मार्च 2022 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागसीन में प्रातः 11 बजे से शाम 3 बजे तक विद्यालय वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2022 का आयोजन सिरोही विधायक व मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। विधायक संयम लोढ़ा द्वारा विद्यालय विकास हेतु विधायक कोष से एक कक्ष निर्माण करवाने की घोषणा की और छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण कर उनका उत्साहवर्धन किया। विधायक संयम लोढ़ा द्वारा उपस्थित अभिभावकों व गणमान्य नागरिक को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता बागसीन सरपंच रिंकू कंवर देवड़ा के प्रतिनिधि के रूप में भामाशाह एवं पूर्व सरपंच पूरन सिंह देवड़ा द्वारा की गई। साथ ही स्थानीय भामाशाह नारायण सिंह देवड़ा, पूरन सिंह देवड़ा, जयपाल सिंह देवड़ा, दुष्यंत सिंह देवड़ा, श्रीपाल सिंह देवड़ा, हिम्मत कुमार, भरत कुमार, नटवरलाल बाबू सिंह देवड़ा, पहाड़ सिंह देवड़ा, सोहन लाल बाबू भाई, गणपत सिंह देवल, गोपाराम मीना, गोपाल कुमार, ईदा राम, भरत कुमार, मंगला राम व मंगल लाल कुम्हार का सहयोग रहा। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा छात्राओं को पुरस्कार वितरण कर छात्राओं का उत्साह वर्धन किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में नारायण सिंह देवड़ा, करणी सेना जिला अध्यक्ष सिरोही श्री जोगाराम राठौड़, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा शिवगंज धर्म सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन रमेश कुमार खत्री एवं वर्दी चंद माली द्वारा किया। संस्था प्रधान भीमा राम मीना द्वारा SMC व SDMC के सदस्यों व अभिभावकों को धन्यवाद देकर विद्यालय के सहयोग की अपेक्षा के साथ कार्यक्रम समापन की घोषणा की। जागरूक टीवी की पोस्ट आलेसा कल्पना मालिक की रिपोर्ट।